हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक है, ये खिलाड़ी वेस्ट इंडीज टेस्ट सीरीज में टीम इंडिया का कप्तान होगा। WTC फाइनल के बाद टीम इंडिया के सभी खिलाड़ी आराम कर रहे हैं। टीम इंडिया को जुलाई से लगातार क्रिकेट खेलना है। 12 जुलाई से टीम इंडिया वेस्ट इंडीज दौरे पर होगी। ये दौरा 12 जुलाई को टेस्ट मैच से शुरू होगा और 13 अगस्त को T20 मैच के साथ खत्म होगा। इस दौरान टीम को 2 टेस्ट, 3 वनडे और 5 T20 मैच खेलने हैं। इस बीच टेस्ट सीरीज में टीम इंडिया की कप्तानी कौन करेगा, इसे लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। WTC फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से मिली हार के बाद से ही टीम इंडिया का कप्तान बदलने की मांग उठ रही है। इसी बीच खबर यह भी आई कि रोहित शर्मा को आगामी टेस्ट सीरीज के लिए आराम दिया जा सकता है। हालांकि अब इसे लेकर एक बड़ा अपडेट आया है। इनसाइडर स्पोर्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक आने वाली टेस्ट सीरीज में रोहित शर्मा ही टीम इंडिया की कप्तानी करते नजर आने वाले हैं।